पता है कि अम्मी यहाँ पे क्यों आ रही? वो तारीख पक्की करने आ रही है। तुम फिक्र ना करो, हफ्ते दस दिन की मोहलत दे दो, मैं खुद हाथ जोड़ के घर आके पैसे लेके जाऊंगा। तेरे लिए यही बेहतर होगा, अगर मैं तेरे घर में आ गया ना तो मेरा ख्याल है तो मेरी बात को समझ गया होगा। अगर ऐसा भी है तो बाबा ये सारे इंतजाम कैसे करेंगे? एक तो तुम फौरन टेंशन लेके बैठ जाती हो, सब हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरी तरफ से इस मंगनी को खत्म समझो। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अरे गजब खुदा का, पूरे 4 साल हो गए, जहेज के नाम पर एक तार तक जमा नहीं कर सके तुम लोग। जवान लड़का है मेरा, कब तक बहलाऊं मैं उसे मंगनी के नाम पर? भाभी आप जानती है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। तुम्हारी कोशिश की पाबंद नहीं हूँ मैं। अरे कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे में, लोग रिश्ते लिए आगे पीछे फिर रहे हैं। खुदा का वास्ता है आपको, हमें 2-4 महीने की मोहलत और दे दे आप। बस बस, अब मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकती, और क्यों करूं? कुछ तो खुदा का खौफ करें, 4 साल से बैठी है काशिफ भाई के नाम का दुपट्टा ओढ़ के, 4 साल से ताई, आखिर कुछ तो ख्याल करें। अरे 4 साल क्या, ये 40 साल भी बैठी रहेगी तुम कंगलों के घर में। अरे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कम से कम हमने क्या आंसुओं का तो ख्याल करे ताई, तू चुप हो जा किरण। अरे इसकी तो किस्मत में ही रोना लिखा है, आज इसके लिए रो रही है कल तुम दोनों के लिए रोएगी, इसके मुकद्दर में लिखा ही रोना है, रोती रहो बैठी। नहीं भाभी, ताई एक सेकंड, ताई मेरी बात। कैसा सफर रास्ते सब जुदा, कोई नहीं रहनुमा बस खुदा, बेजुबान आँख है अटकी हर सांस है, हो सुबह रात की बस यही आस है। एक बार फिर सोच ले अंजुम, तुम जानते हो मेरा नाम अंजुम पीरजादा है, और मैं सोचता नहीं हूं, सिर्फ फैसला करता हूं। आमिर बोल, क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट पक्की है? फाइन, तो आज रात ही उसकी छुपाई करते हैं, उसके दिमाग ठिकाने लाना ही होंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जानता नहीं उसने क्या किया है? उसने मेरे डैड के साथ बदतमीजी की है, अंजुम पीरजादा के डैड के साथ, सजा तो उसको मिलेगी। जस्ट शट अप आमिर, जितना कह रहा हूं उतना कर। क्या बात है, काफी देर लग कर दी आने में? नहीं बस लेट हो गई थी। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मैं तुम्हें पिक कर लिया करूंगा, लेकिन अपनी सुनाओ तुम्हारी स्टोरी का क्या हुआ? क्या होना है स्टोरी का? रिजेक्ट हो गई। फारूकी साहब का कहना है कि मुझे पता है फारूकी साहब ने क्या कहा होगा, मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे मेरी जॉब की बात किया नहीं? हाँ की है। उनका कहना है कि साल का एंड है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ अगले साल के शुरू में कोई गुंजाइश है?
कबीर मेरे घर के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद यहाँ आने के लिए किराए के भी पैसे ना हो मेरे पास। किरण, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ लोगों की जबानें गज भर लंबी हैं। कबीर, हम मारने वाले का हाथ तो पकड़ सकते हैं लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, मुझे यकीन है तुम्हें जॉब मिल जाएगी यहाँ पर। मैं ऐसी आश्रय हूँ। फारूकी साहब अंदर बैठे हुए? खैरियत? बस कुछ काम था उनसे। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे इस नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं जानता हूं, तुम फिक्र मत करो, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो और मुझे पूरा यकीन है हमारी चैनल की टीम में तुम एक अच्छा इजाफा साबित होगी। इसीलिए मैंने रिक्वायर्ड लिस्ट में सबसे टॉप पे तुम्हारा नाम रखा हुआ है। भाई, जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी, यू विल बी द वेरी फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड। जब तक तुम ऐसा करो कि कबीर के साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करो। कबीर एक मेहनती और टैलेंटेड लड़का है, एंड आई एम श्योर तुम उससे और बहुत कुछ मजीद सीखोगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज। वो बात बता जिसकी वजह से तेरे चेहरे का ये रंग हो गया। आज रईसा भाभी आई थी। क्या बात है किरण, जब से तुम आई हो मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है, कोई प्रॉब्लम? कबीर, वो ताई अम्मी ने भाजी की मंगनी तोड़ दी। क्या? और इतनी बड़ी बात तो मुझे अब बता रही हो? और क्या करती, ऑफिस में अपना रोना रोना शुरू कर देती। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? तुम अच्छी तरह जानते हो सब कुछ। मैं तो सोच रहा था कि अपनी अम्मी को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजूं। ऐसा भी सोचना भी मत। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अम्मी ने अब्बू से ये बात ना कर दी। तो अंकल से तुम ये बात छुपाना चाहती हो? और क्या करूं, मेरे बाप के कांधे हम तीनों बहनों के बोझ में कमजोर करते हैं। किरण, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती और वक्त बदलते देर नहीं लगती। महज किताबी बातों से हमारे मसाइल नहीं खत्म होने वाले कबीर। अब तुम हिम्मत हार रही? और क्या करूं मैं, हमारी सारी मुसीबतें तंगदस्ती और गुर्बत की वजह से। मेरे बाप दिन रात की मेहनत भी हमारी गरीबी को खत्म नहीं कर सकी है। मुझे लगता है खाली पेट का गुबार तुम्हारे दिमाग पे चढ़ने लगा। मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। आगा, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है। और चावल लाऊं तेरे लिए? और पहले वो बात बता जिसकी वजह से तेरे चेहरे का ये रंग हो गया। आज रईसा भाभी आई थी। अब क्या कार मांग ली उन्होंने? आज वो मंगनी तोड़ के चली गई। क्या क्या कर दिया? रिश्ता खत्म कर दिया उन्होंने। मेरा ख्याल है मुझे
भाभी की तरफ जाके बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलेंगी। अरे अब इस बात की वजह से घर में हार के बैठ जाए, कुछ भी हो बात तो करनी चाहिए ना, शाइस्ता की जिंदगी का सवाल है। ऐसा करती हूँ, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। ना ना तू रहने दे, भाभी जुबान की तेज है, उल्टी सीधी बात कर देगी और फिर दिल पे लगा लेगी। लेकिन किरण के अब्बा, हमारे आगे अभी किरण और फरा भी तो बैठी है। अरे हाँ बैठी तो है, पहले एक का कुछ हो जाए फिर उन दोनों का भी अल्लाह मालिक है, सोचते हैं कुछ। वो मैं आज मैंने हुसैन भाई से भी बात की थी और उन्होंने इनकार कर दिया होगा। मैंने कहा था ना उनसे बात करनी ही नहीं चाहिए। मैंने सोचा कि तूने सोचा कि वो तेरी बात मान लेंगे। ओ भाई उनको पता है मेरे पास पैसे हैं नहीं, पहले का उधार भी चढ़ा हुआ सर पे, और पैसे क्यों देने लगे वो हमें। लेकिन मैं तीन भाइयों की इकलौती बहन भी तो हूँ। चल छोड़, दिल मेला न कर भाइयों के साथ से, हिम्मत करता हूँ अभी जाता हूँ भाभी की तरफ। अल्लाह मालिक है। तू खाना तो खा ले। अबे पैसा निकलवाना उससे कोई मुश्किल बात नहीं, अगर मेरा इरादा कुछ और है। समझ गया सेठ, एक बार फिर इरादा तुम्हारा सर पे सेधा से जाने का हो रहा है। उस्ताद अगर ये बात है तो देरी किस बात की, चलते हैं उसके घर। दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता है लेकिन डर लगता है कि उस्ताद तुम्हें डर लगता है। अम्मा डर कैसा, अपना पैसा मांगने जा रहे हो, घर पे जाती शोर शराबा कर देना, और वो साहब अली वो तो तुम्हारी मिन्नत करेगा। घर पे ले आएगा, चाय वाय पूछेगा तुम्हारे को। और इसी बहाने तुम शरबत दीदारे हुसन भी पी लेना। तुम दोनों का दिमाग बहुत चलता है। बताओ 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 आगे क्या करूँ और क्या करूँ मैं। अम्मा उस्ताद जो पसंद आए उसका रिश्ता मांग लेना। इतनी जल्दी नहीं, नहीं भाई ऐसे कामों में इतनी जल्दी नहीं करते। ठीक है सेठ, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो कर लो। ठहरो एक बार, मुझे उसके घर तो जाने दो, फिर फैसला करेंगे कि वो लोग इस काबिल हैं या नहीं है। तुझ पर तरस और रहम खाकर ही तो मैंने ये रिश्ता तोड़ा है, मर जाएगा इतने पैसे जमा करते करते। आप ही बाबा को बहुत सदमा पहुंचा होगा ना इस बात से। मैंने फजूल में ही कॉलेज में एडमिशन की बात की, इन्हीं पैसों से आपके जहेज का सामान आ जाता। उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दिया करो। आप ही मैं सोच रही थी क्यों ना मैं किसी स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट कर दूं। बाबा तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन आप ही घर में चार पैसे आ जाएंगे और तो और हम आपकी शादी आसानी से कर सकेंगे। शेख चिड़ी की तरह ख्वाब देखना छोड़ दो और जा जाके किरण को खाना दे। नहीं तुम पढ़ो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, आ गई जी। मम्मी बाबा भी बाहर गए हैं, बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे, कहाँ गए? बेटा वो भाभी से बात करने गए। मम्मी
आपने उन्हें बता दिया, नहीं बताना चाहिए था। कैसे ना बताती, इतनी बड़ी बात मैं हमारे बाबा से कैसे छुपा सकती थी। मैं आपको पता है ना क्या होगा वहां, वो जाके मिन्नत नहीं करते रहेंगे ताई की, और ताई ने पता क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जलील करना है उन्हें। और हमारे पास में कुछ है भी तो नहीं ना। हमें अल्लाह ताला कभी ताई को माफ नहीं करेगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी ताई के दिल में रहम डाल दे और वो तुम्हारे पापा की बात मान ले। अम्मी वो बेरहम और पत्थर दिल है, अल्लाह चाहे तो पत्थर को भी मोम कर देता है। सही कह रही हैं तो सबसे बड़ा है, रहीम है, करीम है। हम इंसान ही जालिम हैं। या अल्लाह तो भाभी के दिल में रहम डाल, भाभी के दिल में रहम डाल दे मेरे मालिक। मेरी शाइस्ता के लिए भाभी के दिल में रहम डाल दे। देखो भाभी, ये दो चार महीने की मोहलत दे दो, मैं शाइस्ता के जहेज जमा करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। अरे तू इतना पैसा जमा नहीं कर सकता, तुझ पर तरस और रहम खाकर ही तो मैंने ये रिश्ता तोड़ा है, मर जाएगा इतने पैसे जमा करते करते। भाभी मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, बिक जाऊं, पर तेरा वादा है चार महीने में तेरी पसंद की हर चीज जमा कर लूंगा। खाम खा की जिद कर रहा है। अल्लाह पाक की कसम यही मर जाऊंगा अगर तूने मेरी बात न मानी तो। अच्छा अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे सिर्फ चार महीने की मोहलत देती हूं, मगर याद रखना सिर्फ और सिर्फ चार महीने। अगर इसमें शादी ना हुई फिर मुझसे शिकायत करने मत आना। आप कुछ भी कहें, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि काशिफ भाई ताईजान का ये फैसला कभी नहीं मानेंगे। वो बस एक मट्टी के माथू हैं, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं करने वाले ना कहने वाले हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों अपना खून क्यों जला रही हो। मेरा बस चले तो मैं फरा ऐसा नहीं कहते, वो हमसे बड़ी हैं, माँ की जगह हैं। हाँ तो हमसे बड़ी हैं, हमारी माँ की जगह हैं, तो हमारी परेशानियों का एहसास करें ना, ना कि हमें और तकलीफें दे। किरण तुम तो जानती हो लोग दूसरों की खुशियों की बारात में नाचना तो जानते हैं, मगर आंखों से बहते हुए नमकीन आंसू उनके मुंह का जायका खराब कर देते। मैं काशिफ भाई से बात करूंगी। नहीं, तुम किसी से बात नहीं करोगे। तो तू है साहिब अली की बेटी। आप कौन है भाई साहब? साहिब अली से बोल कि सत्तार सेठ आया है। दूसरों का महल देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगा सकते, खुदा का शुक्र अदा करो कि हमें दो वक्त की इज्जत से रोटी मिल रही है।